जयपुर ग्रेटर नगर निगम का 21 दिवसीय नामोत्सव कार्यक्रम, महापौर डॉक्टर सौम्या क्या कुछ कह रही हैं सुनिए। मूर्तियों की कल सफाई हुई है, वहाँ अंदर और बाहर की सफाई होगी और कल हमारे पार्कों की, सार्वजनिक पार्कों की सफाई होगी और मुख्य चौराहों की सफाई होगी, तब जाकर हमारा जयपुर स्वच्छ जयपुर सुंदर जयपुर बनेगा और यही सुशासन है। आम जनता की सहभागिता इसमें बेहद जरूरी है, तो आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, जिस प्रकार का उत्साह उनमें राम मंदिर को लेकर देख रहा है, ऐसा ही सफाई में भी देखने को मिला। आम जनता के उत्साह को मुझे देखते हुए लग रहा है कि इस जयपुर को बिल्कुल स्वच्छ करने के अंदर आम जनता भूमिका निभाने वाली है और 5 लाख दीपक का लक्ष्य नगर निगम ने रखा है, पर यहाँ आम जनता मुझे लग रहा है कि 11 लाख का लक्ष्य भी पार करेगी। हर मंदिर जगमग करेगा, हर चौराया जगमग करेगा और हर हमारे मन के अंदर भी राम ज्योति जलेगी और हम राम ज्योति जलाकर प्रभु श्री राम जी का अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे और अभिनंदन करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें 22 जनवरी को दिवाली की तरह, हमें दीपावली की तरह हमारे शहर को साफ सुंदर जगमग हमें बनाना है। मैम कल भी आपने मेहनतों के साथ बैठक की थी, कंपोस्ट मशीन लगाने की बात की जिससे फूलमालाओं से गंदगी ना फैले, उसको लेकर क्या कुछ? मोती डूंगरी के महंत जी ने एक कंपोस्ट मशीन फूलों के लिए कंपोस्ट मशीन देने का कहा है और साथ में खोले के हनुमान जी की तरफ से भी आया है प्रस्ताव कि वो भी हमें कंपोस्ट मशीन देंगे, तो निश्चित रूप से वो कंपोस्ट मशीन हमारे जितने भी मंदिरों से फूल मालाएं निकलती है वो भगवान के चढ़ी हुई माला कचरे के अंदर नहीं जाए, क्योंकि भगवान हमारे आराध्य है और उनकी चढ़ी हुई मालाओं को कंपोस्ट बनाकर वहीं जहां हमारा कंपोस्ट प्लांट है वहां नगर निगम के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो महिलाएं जिन महिलाओं का आर्थिक स्तर सही नहीं है उनको हम रोजगार देंगे और रोजगार देने के बाद में जब भक्त मंदिर के अंदर आएगा तो प्रसाद के साथ में प्रसाद स्वरूप जो फूल भगवान पर भक्ति के साथ में चढ़े हैं वो फूल भगवान के साथ उसकी कंपोस्ट खाद अपने घर में पैकेट लेकर जाएंगे और अपने घर के गमलों के अंदर साक्षात भगवान का कण कण कंपोस्ट रूप के अंदर प्रसाद है वो पूरा होगा और घर की शुद्धता रहेगी और हमारा अध्यात्म जो है हमारी स्पिरिचुअलिटी इसी में है। मैं उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में नगर निगम में इस तरह की सफाई व्यवस्था रहेगी जिससे उम्मीद के साथ आप लगी हुई है? देखिए निश्चित रूप से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2014 के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्वच्छ भारत कैसे हो सकता है या इतने गंदे गंदे पहाड़ कचरे के पहाड़ जो बने हुए हैं, बहुत शहर बहुत खराब लग रहे थे, वो सारे पहाड़ भी गायब होने लगे हैं, आम जन के अंदर जागृति आ गई।